जब गैदरिंग में उनके साथ आते थे ना, वो पढ़ाई के सवाल पूछना शुरू हो जाते थे। मेरी घर जाकर छितरोल होनी थी। झूठा। अच्छा सुने, अंग्रेजी में नहीं देख रही, मायरा खान की जगह मैनू ले लेंदे, वो नहीं रोएंगे। अगर रोएंगे, वो नहीं रोएंगे, अब तो नहीं रोने वाली। रोलोगी? नहीं, मुझे पता है भाई, इतना सीरियस हो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है, ऐसे लगता है कि केस जो है ना हाईकोर्ट में जाएगा। Assalam guys, कैसे हैं आप सब? Welcome back to another video. जिन लोगों को allergies होती है ना, I understand you guys and I am with you guys. ये tissue हमेशा मेरे हाथ में होता है, और जब भी आपने मेरे हाथ में tissue देखा हो, इसका मतलब ये है कि भाई allergy has been triggered. अब कल क्या हुआ था? कल we saved a life of a puppy. अब बारिशों का टाइम है, मानसून का टाइम है. हुआ ये था कि बेसिकली एक पपी था, डिच के अंदर गिर गया था, एंड मैंने उमर ने मिलकर सुना, एक्चुअली उमर ने निकाला था, एंड उमर पूरा गटर के अंदर गिरा. तो उसकी वजह से जो पौधे वौधे थे आसपास, वो बिल्कुल मेरे से लाइक यू नो मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो गया, एंड उसकी वजह से आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, आई वाज स्नीजिंग ऑल नाइट, एंड अनिया ने कोई पता नहीं 4 फुट के मेरे थकिए कर दिए थे, जिसकी वजह से मुझे क्या है यार, वो उमर ने कल जिम में उल्टी कर दी थी, उसको मैंने जूस लेके दिया था, और ये चप्पल उमर की है, और ये जेट स्पोर्ट मैंने खाई थी. कचरे का डब्बा लगता है मेरी गाड़ी तुम्हारी. मैं साफ करने वाला था, मुझे पता नहीं था कि हम कहीं जा रहे हैं. तुम साफ करने वाले ही होते हो. ओके, इट्स नॉट ओके. क्यों? डू इट इन योर ओन कार. जी बोलती हूँ, जो मेरा है वो हमारा है, तो फिर मैं तो अपना समझ के इसको गंदा करता हूँ. नहीं, तुम ना अपना ना समझो. क्या है? क्या ये उमर का जुगाड़ है गाइस? ये सीट बेल्ट वाला जुगाड़ आपको नहीं करना चाहिए. वेरी क्यूट बटरफ्लाई गाइस, ये मेरी ट्रिल होती है. अगर मुझे कोई चीज़ नहीं देखनी होती है, मतलब वैसे ही, मतलब जाहिर आपको यू हैव टू प्ले अलोंग, तो फिर मैं बोल देता हूँ हाँ ग्रेट, वेरी नाइस डॉग, वेरी नाइस डॉग, वेरी प्रिटी बटरफ्लाई, वेरी प्रिटी बटरफ्लाई. तो अभी ज़रा हम जा रहे हैं, एंड आज थोड़ा सा हैपनिंग डे है, एंड आज मेरे में ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कभी भी, एंड कभी कभी ना आप में उस चीज़ को कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक शख्स का होना बहुत ज़रूरी है, और वो शख्स हमारी बेगम है. और कॉन्फिडेंस किस चीज़ का बेसिकली, वो था एक तो पहले चश्मों का. मैं कह यार सनग्लासेस मैंने कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कह यार आई थिंक आई फील स्टूपिड, दोस्त वोस्त मजाक उड़ाएंगे, बोला नो लो. तो दूसरा कॉन्फिडेंस था शॉर्ट्स वॉर्ट्स, वैसे आप नाइट शॉर्ट वगैरह के साथ पहनते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नॉर्मल डे भी पहनो. मैंने कहा अच्छा, लेकिन जमीन नहीं मानता था. ये आपके भाई ने शॉर्ट्स ही पहने, तब तक गाड़ी नहीं चलेगी, तब तक एसी नहीं चलेगा. ये आई एम मूविंग, ये शॉर्ट्स पहन ली, एंड ये हमने कोऑर्डिनेट किया अपने शर्ट के साथ. मैं कहा कॉन्ट्रास्ट मैचिंग करेंगे. आज ज़रा हम जा रहे हैं एक छोटी सी दावत पे, लेकिन मैंने कहा इसको ज़रा दावत के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते, वरना बहुत मोनोटोनस हो जाएगा कि हम दावत पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं. मैंने कहा कुछ डिफरेंट करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा मोनोटोनस नहीं करते. मुझे लग रहा है मैं अंकल जोक्स मारने लग गया हूँ. गाइस हम हमजा रोड से जा रहे हैं. हमजा अंकल ही होते थे यार, वो अंकल होते थे, वो पकाते थे बचपन में. आपको बोल रहा मैं बेटा, देखो मैं बोर नहीं कर रहा, मैं एक मीम भी देख रहा था. एक लड़का इज़ वेरी फनी, अली अंजुम ऑन टिकटॉक और इंस्टाग्राम, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. बेटा मैं बोर तो नहीं कर रहा आपको. मैं वैसे आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये ज़िंदगी का एक मकसद आप, और बच्चे ना यूँ टोपी लगा के ऐसे वो देख रहे हैं कि हाँ यार अंकल पकाई जा रहे हैं, अंकल चुप नहीं करे. तो ये अंकल वाला मोमेंट ना ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ है, मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ है. यार तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ. हमारे एक फैमिली फ्रेंड अंकल होते थे जो जब गैदरिंग में उनके साथ आते थे ना, वो पढ़ाई के सवाल पूछना शुरू हो जाते थे. फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, वो जो नाइट में थे, हाँ, घर नहीं जाते हम थे. जाते ही नहीं थे उनके घर, हम इतना रोते थे क्योंकि वो अब ऑन द स्पॉट हमसे कोई सवाल पूछते थे. अब एक आपको वो मोमेंट होता है ना जब आपको पता होता है कि आपको जवाब आते हैं, लेकिन आप ये नहीं देते कि शायद गलत हो जाए तो बेइज्जती होगी बहुत ज्यादा, तो जवाब ही नहीं देते थे. हम लोग चुप करके ना हाँ करते रहते थे, और जो घर पे जाके मम्मा से डांट पड़ती थी यार, डैडी भी करते कि मैं तुम्हें स्कूल क्यों भेजती हूँ, कुछ आता ही नहीं है, जो तुमसे सवाल पूछते उसका जवाब नहीं आता. एग्जैक्टली ऐसे अंकल याद नहीं है, बट कुछ ऐसे अंकल्स नहीं होते थे, इनको थोड़ा सा इंप्रेशन मारने का शौक होता था आपके पेरेंट्स यार सामने. वो छोड़ो, देयर वाज नॉट अ सिंगल टाइम व्हेन ही वुड नॉट डू इट. लाइक वो हर दफा ना ऐसे रैंडम एकदम से, हाँ चलो अनिया बताओ ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है. अगर ये डैडी के साथ हो, मतलब अगर डैडी साथ हो मेरे और कोई अंकल ऐसे करे ना, मेरी घर जाकर छितरोल होनी थी. मैं हुआ है मेरे साथ, तो मैं क्यों नहीं आ रहा था. ये डैडी वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर भाई, ये अभी अभी कुछ सालों में चिल हुए हैं, सख्त मिजाज लगते ज्यादा, मतलब उतने हैं नहीं, लेकिन बचपन में थे भाई, मतलब
ये चप्पल चप्पल तो कोई छोटी बात है, उनका तो हाथ ही ऐसे कोई 10 किलो का। चलो भाई इतना भी बदनाम ना करो। ठीक ठाक मारती थी और ये तो अब यू नो जेन जी और इन लोगों के ट्रेंड चेंज हुआ है कि यू नो बच्चों को नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए ऑब्वियसली, बट हमें भी बड़ी मार पड़ती थी। और अब मम्मा को बोले ना तो मम्मा एक्नॉलेज नहीं, मम्मा बोलती है बहुत एग्जैजरेट करती हूँ, इतना तो मैंने कभी नहीं मारा। और हमना और अली और उमर जो है वो बैठ के बता रहे थे कि अम्मा भी इतना मारती थी और अम्मा बोलती एग्जैजरेट करते हैं ये तो। आप सब ने अम्मा की वीडियोस देखी है, ठीक है, आपको अम्मा की पर्सनालिटी पता है और अम्मा असल में भी ऐसी ही हैं जैसे ऑन कैमरा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि डैडी ने हमें बेरली मारा है, मतलब डैडी से हम वैसे इन जनरल बहुत डरते थे, जाहिर है बाप का एक रोब एक खौफ बहुत ज्यादा होता है, और अम्मा जो है भाई साहब अम्मा इतना हमें कूटती थी, मतलब मैंने एक दफा ना, मतलब ये वैसे हमारी और मेरी और आपकी आपस की बात है कि माना हमना के साथ तो धोबी पछाड़ किया था हमारे जिनों को पता है, जैसे धोबियों का आपने देखा यूं 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 कपड़े धोते हैं, हमना को एक दफा ना बचपन में आई थिंक 8-10 साल की थी, बालों से करके यूं मारा था एंड और मैंने मेरे ख्याल से 4 दिन वही किया जो अम्मा बोलती नहीं थी। तो खैर सीन ये है कि अम्मा आज भी एक्नॉलेज ही नहीं करती कि मैंने तुम लोगों को इस तरह मारा हैंगर्स, और मैं मुझे अभी भी याद है इतना मारती थी मैं बैठू सॉरी 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 इस तरह करता था, लेकिन आज भी नहीं मानती। अब बड़े हो गए ना, अम्मा कहती कोई नहीं मारती। फिर हम 3 सबूत है यहाँ पे, मैं हम ना उमर हम बैठते हैं और हम हंसना शुरू कर देते हैं कि इतना सफेद झूठ कोई कैसे बोल सकता है कि मुझे मारा नहीं। मैं कहा मार तो हमने खाई। एक दफा मुझे अभी भी याद है मेरी कोई स्कूल की ट्रिप थी, वो ना हड़प्पा गई थी। चले हम 6 मिनट पहले पहुंच गए तो प्लीज जरा अपनी रेपुटेशन चेंज कर। हाँ, देख हड़प्पा वाली स्टोरी मैं याद रख लूंगी, तुम्हारी हड़प्पा वाली स्टोरी बाद में सुना देना, मेरे ज़ैनब को मैसेज कर दी वेयर आउट। अच्छा छोटी सी मेरी स्कूल की ट्रिप थी हड़प्पा की, हड़प्पा मुझे स्कूल में लेके गए, मैं वापस आया ना उमर मोहनजोदाड़ो लेके गए, उमर के यहाँ पे ना एक निशान पड़ा हुआ था, तो मैंने पूछा ये क्या, थिंक तुम स्टोरी सुना चुके हो पहले, नहीं सुनाई। तो वो कहता अम्मा ने ना चप्पल मारी थी और इतना आइसक्रीम खाता हुआ आ रहा था, और कहता मुझे अम्मा ने आइसक्रीम ले दी ताकि ये स्टोरी पूरी आपको डिटेल में सुनाएंगे बाद। यार हम मिलने आए थे ज़ैनब से एंड ज़ैनब के बिल्कुल घर के सामने, मतलब एज इन साथ वाले घर में एक छोटा सा डॉगी है जो यहाँ से देखता है। हेलो गुड बॉय गुड बॉय, कभी यहाँ से आता है ये और ये कभी कभी यहाँ से आ जाता है। अब ये देखो अभी यहाँ से आ गया। So guys, Zainab के घर आए थे। That Zainab, आपने देखा होगा नहीं कि वीडियोस में। Yeah, Zainab is a celebrity herself. Famous है Zainab यार। और Zainab ने हमें यहाँ पे बना के खिलाया। एक तो बड़ी अच्छी डिश थी जो है ये spaghetti pasta. This is so good. वो ये मतलब यार मैं तो spaghetti बोलूँगा ना। So it's like roasted tomatoes and everything. And spaghetti is pasta. What? Spaghetti is pasta. You don't say spaghetti pasta. Boy, like you say that's roasted what, tomato spaghetti. You know what I mean, right? Roasted and second, हम चित्राल गए थे तो एक चीज़ हमने ट्राई की थी मिशी, जो चित्राल से उनको पता होगा। मुझे वो थोड़ी सी ब्लैंड लगी थी, थोड़ा सा हमारे देसी टेस्ट के हिसाब से ना ट्वीक होने वाली थी, मतलब हल्की सी लाइक यू नो मसाले वसाले थोड़े ज़्यादा, तो ज़ैनब ने इसको ट्वीक किया। दिस इज मिशी, बेसिकली अ सब्स्टिट्यूट टू हुमस। अंदर क्या डलता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, उसने अपनी जो रेसिपी है वो इम्प्रोवाइज की। और ये जो है ये नान को टोस्ट किया वैसे लाइक यू नो लेट्स से, सो ये देखें सो दैट वेरी क्रिस्पी वेरी नाइस। गाइस मुझे ना ज़ैनब की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे ना तकल्लुफ नहीं होता और बहुत ही कैंडिड और रॉ होता है, तो वो थक गई, वो कह रही थी मैं सुबह से काम करें, हाँ रॉन था मतलब वो बिल्ली उसको उठाना नहीं चाह रही थी, तो कहती किचन में जाके यार वो कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी निकाल लो और वो ना मग में डाल के ले आओ। मैंने कहा या श्योर, ये अभी हमने निकाल ठीक है। And we're having this. You're so elitist. वैसे जब मैंने तुम्हें बोला coffee चाहिए, you automatically assumed that it was instant coffee, and you're like, नहीं नहीं चाहिए. And then you found out it's drip coffee, and then you're like, हाँ चाहिए. Guys देखें मेरा बड़ा simple सा fund है, मतलब instant coffee से मैं बहुत दूर भागता हूँ, मुझे taste नहीं अच्छा लगता। हाँ जब एक time पे पीते थे तब पीते थे, फिर एक taste आपका flavor डेवलप हो जाता है। Now I really don't want कि मैं you know instant coffee पीऊँ। ये वाली पीते दिखाओ, Trader Joe's वाली है, ground coffee. सो सीन ये है कि मुझे इंस्टेंट कॉफ़ी पीने का कोई शौक नहीं है, सो बिकॉज इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं पीता और मेजॉरिटी लोगों के यूजुअली इंस्टेंट कॉफ़ी ही होती है, सो आप रूड भी नहीं होने चाहते कि नहीं नहीं मैं सिर्फ ये पीता हूँ या मैं इसके अलावा और कोई कॉफ़ी नहीं पीता, आप ये बोलते हो कि यार मतलब इट्स ओके, मतलब नहीं नहीं कॉफ़ी का मूड नहीं है। तो फिर उसने मुझे बताया कि ड्रिप कॉफ़ी, मैंने कहा हाँ
अब पीऊंगा। तो गाइस ज़ैनब जो है हमारे लिए ना, शी इज फेमस फॉर बीइंग अ कैट रेस्क्यूअर, शी इज नॉट अ कैट रेस्क्यूअर, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जितनी भी रेस्क्यूज होती हैं, जो इंजर्ड कैट्स होती हैं, पर्सनल कैपेसिटी, लाइक पुशिंग हर पर्सनल कैपेसिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलें कि ये बिल्ली यहाँ पे पड़ी है तो आप जाके उसको कलेक्ट करें, शी इज नॉट लाइक दैट। पर्सनल कैपेसिटी में अगर कहीं बिल्ली इंजर्ड एंड स्टफ, एक आपको दिखाते हैं, इंशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी बनेगी इस पर, सो इसलिए वी टेकिंग बिफोर राइट नाउ एंड लेटर ऑन विल रिकॉर्ड द आफ्टर पार्ट। So this is a little tiny cat. Where did you rescue the cat from? On Jinnah Avenue. I thought that he was dead, but usko heat stroke hua tha aur uski dum ke upar se gaadi guzri hui thi. Can you show the tail? Yes. Ye iski jo dum hai, ye bilkul chote se kitten hai, ye aap dekh sakte hain. And you know, main ye soch raha hu ki yaar kitne takleef mein hogi billi. It's a male, right? Yeah. Hoga, sorry. Ab ye dekhe, mashallah, he's like running and so active. एंड ज़ैनब ने इसको, ज़ैनब का घर लिटरली एक कैट होम बना हुआ है। यहाँ पे 3-4 कमरे हैं जो बिल्लियों को डेडिकेटेड है, एक कमरे में बिल्ली सो रही है, एक दूसरे कमरे में 2 बिल्लियाँ सो रही हैं, सो यू नो इट्स लाइक दैट। एंड ये जो हैं साहब, ये बहुत पैम्पर हुए हैं, ये मेरी गोद में चढ़ के बैठे हुए थे, अनिया की गोद में। इसका बिफोर आप देख लें, अभी बिफोर में भी काफ़ी रिकवर हो गया, बट ही इज गोना ग्रो बिकॉज़ अभी ही हैजंट ईटन, शी जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स ही शुड बी, यू वर टेलिंग कि अभी इसने खाना स्टार्ट किया। हाँ, इसको स्विंच से मैं खाना दे रही थी, लेकिन आज उसने खुद खाना खाया है ढेर सारी दुआओं के बाद, तो कंटिन्यूड दुआस फॉर हिम, और इंशाल्लाह फिर 2 हफ्ते में ही विल बी रेडी फॉर अडॉप्शन, एंड आई वांट अ वेरी वेरी स्पेशल होम फॉर हिम जो उसको बहुत ज्यादा प्यार करे, बिकॉज़ आई फील लाइक पर्सनली लोग बिल्लियाँ कुत्ते जानवर जो हैं वो ले लेते हैं, फिर वो उसका ख्याल नहीं रखते उस तरह से, एंड दे डोंट गिव देम टाइम इम्पोर्टेंस, या उस तरीके से बस एक जगह छोड़ दिया या किसी को दे दिया आगे। मैं पर्सनली जितनों को भी जानता हूँ वो आगे दे देते हैं, एक्सेप्ट ज़ैनब। एंड यू नो, जानवर अगर आप ले लें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसकी अडॉप्शन की मैं एक पोस्ट भी लगाऊंगा, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट, सो यू नो अगर कोई उस टाइम पे इंटरेस्टेड हुआ, सो दिस इज लाइक, दिस इज गोइंग टू बी सक्सेस स्टोरी, सो आप जरूर बताइएगा। एंड ज़ैनब, यू डूइंग अ ग्रेट ग्रेट जॉब, लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। फाइनली बैक होम, और ज़ैनब ने हमें दिया था वो जो हुमस चिप्स, हुमस नहीं क्या था यार, वो मिशी के साथ जो उसने चिप्स बनाए थे, नान चिप्स, वो उसने दिए कि अम्मा ऑलवेज फीड्स मी, तो ये अम्मा के लिए लाजमी लेके जाओ, और अम्मा के लिए हम लेके आए, लेकिन अम्मा तो अपनी चाय पी रही है अभी मसरूफ। हाँ, तो अभी बाद में खाऊंगी ना खाने। अभी क्या बता रही थी, क्या लेके आई हूँ? मैं जिम के कपड़े लाई हूँ अपने, पहले तो मैं कोई उमर का पजामा, नबिया की शर्ट, अनिया के कपड़े यार। वैसे गाइस, बड़े 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 दुख की बात है, बड़े ही दुख की बात है कि अम्मा भी, हमने KFC का थैला देखा तो उसमें देखा कि KFC है, तो हमने सोचा कि ठीक है एक आध पीस तो लाई होंगी, लेकिन भाई हम तो जब भी जाते हैं हम अपनी अम्मा के लिए लेके आते हैं, हमारी अम्मा जब भी जाती है तो कोई नैंडोज नहीं लाते, KFC तो हमेशा लाते हैं, नैंडोज नहीं लाते, KFC लाते हैं, तो और लेकिन हमारी अम्मा देखे KFC नहीं लाए। मेरी बात सुने, ये पता है क्या, मुझे ऐसे तंग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, और खुद डाइट कर रहे होते हैं और अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से रोज। ना 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 ना, वो बात एक तरफ, बात असल ये है कि हम जब जाते हैं हम KFC हमेशा लेके आते हैं अम्मा के लिए, और अन्य लाते कि नहीं, लाते कि नहीं हमेशा ना, लेकिन हमारी माँ, हमारी सगी माँ, हमारी इकलौती सगी माँ हमारे लिए KFC नहीं लाते, हमें नहीं लाते, यहाँ घर में मंगाते हैं तो फिर लाते हैं। तो मैं हेल्दी खाना क्यों लेके आऊंगा, कचरा ही लेके आऊंगा ना, तो जब हम अगर हमने अगर खुद हेल्दी भी खाया ना, तो अम्मा के लिए हम डिलीवरी करके KFC मंगाते हैं। कब नहीं मंगाई, झूठा। अच्छा सुने, जो हेल्दी, इनको पता है अम्मा कचरा खाती हैं, ठीक है ना, घर में दाल सब्जी ये खाती हैं अम्मा हेल्दी नहीं खाती, तो जब अगर ये कुछ हेल्दी खा रहे हैं तो अम्मा के लिए लाना चाहिए कि नहीं, लाना चाहिए ना कि अम्मा को दें हम KFC बात KFC क्यों रही, KFC तो हमेशा लाते हैं हमारी माँ, मान लीजिए मैं 10 KFC मंगा देती हूँ, अम्मा उसकी ट्रीट हम KFC पे लेंगे, तुम शनिवार ही लोगे ना? हाँ नहीं, शनिवार ही नहीं, क्यों? KFC मुझे KFC चाहिए, नहीं कल रात, आज हम लोग खाना खाए ना तो थोड़ी कैलोरीज हमारी वो हो गई, कल खाएंगे, सही है, चलो
कल आप लोग कह रही थी कि हम निकाह पे जा रहे हैं। निकाह शादी पे जाना है ना, रात में खाएंगे। सही है, कल जाने नहीं यार, नहीं यार, कल मूवी देखने भी चल देंगे। दूसरे तो देखी हुई, फिर मजा ही नहीं आता देखने का। क्या मौला जट बहुत अच्छी थी, तुमने नहीं देखी अभी तक? मैंने तो अम्मा के साथ जाके देखी थी। मायरा खान की जगह मैनू ले लेंदे। लेकिन खैर अम्मा, बात तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, बात तो ये यही में एंड हो जाती है। केएफसी नहीं, हमारे भाई ये मेरे लिए लेंडोस नहीं लाता है। लेंडोस तो केएफसी, बात केएफसी की हो रही, नंडोस की नहीं हो रही। मेरी अम्मा सारा दिन गंद खाती है, मैं अपनी अम्मा के लिए ये ले जाऊं केएफसी लाई। मेरी माँ, मेरी माँ मेरे लिए केएफसी नहीं लेके आई। अम्मा ये नहीं, ये डिलीशियस देख लेते हैं। नहीं मुझे नहीं देखी, मैंने सुना है। तुम जाओ, मैं अम्मा, तुम जाओ। हाँ जाओ, आज एक मिली थी वो वहाँ पे इमेज पर, एक फैन मिली थी, वो अनिया की बहुत तारीफ कर रही थी, आपकी बहू बहुत अच्छी है, हमजा बहुत अच्छा है। वो बहू शर्मा रही है। थैंक यू, थैंक यू। मैं अच्छा तो वैसे काफ़ी ज़्यादा हूँ, मैं ज़्यादा मतलब देखे मेरी बात थोड़ी भारी हो जाती है जब मैं अपनी तारीफ सुनता हूँ। तो देखे वैसे मतलब थैंक यू सो मच, मुझे वैसे पता अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन मेरी अम्मा फिर भी मैं लिखी सीरी लिख के अम्मा मैं रुलाना चाह रहा है। और मजे की आपको बात, अम्मा इतनी मुशी है, इतनी मुशी कि मैंने तीन दफा और बोला ना, वो नहीं रोएंगी। अगर रोई, वो नहीं रोएंगी। अब तो नहीं रोने वाली। हाँ। रोलोगी? नहीं, मुझे पता है। अम्मा रोना शुरू कर देती है। तूने रोने लगी, रोने लगी, रोना शुरू कर देती है। अनिया वो कल मैं बना रही हूँ खौसे रेसिपी, तो आप कैसे बनाओगी? अम्मा कल सुबह जाना है रात को, फिर चलो फिर बना लूंगी। जब भी बनाऊंगी खाओगी ना? मैं एक लगाऊंगी, चख लूंगी। लगाऊं एक? नहीं तो फिर कल नहीं बनाऊंगी ना, फिर कल नहीं बनाऊं, परसों बना दियो। चलो एक ही चीज ना। उनको लिए भी तो वो सही ना, एक ये भी बन जाएगा रेसिपी। गाइस अम्मा अपना पूरा जिम वेयर लेके आई हैं, तो कह रही थी कि मैं अनिया के और पता नहीं हमना के कपड़े पहने जा रही थी, नबिया के। मैंने ना शर्ट पहनी एक और एक ट्राउजर पहना, मुझे लगा मैंने अनिया का पहना। अनिया जब आई तो कहती ये तो नबिया की शर्ट है, नबिया शर्ट भूल गई होगी और वो टाइट भी बहुत थी। हमने पस पसा के पहनी और ट्राउजर, उमर कहता है, मैंने कहा अनिया का, कहता ये तो मेरा ट्राउजर है। तो मैं इस तरह पहन रही थी, एक अनिया का नाइट सूट पहन लिया था, तो आज मैं फिर लेकर आई अपने लिए दिखाने। ये ब्लैक है और एक ये पजामा है इसका, पजामा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें कलर हमसे ये कलर भी था स्किन, ये मेरे वाला, लेकिन ये वाला डार्क बेहतर होते हैं। ऐसे ये लिया एक, ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा सेम पजामा भी सेम है। और हमना ने ना वो लिए अपने पजामे लिए, उसके पास पजामे नहीं थे, और दो शर्टें उमर के लिए ली और उमर के जुराबे जिसके लिए हमारे घर में मेरी जुराबे गई हैं धोने में, वो अभी तक नहीं आई। तो वो मैंने उसके लिए इतनी सारी जुराबे लिए, लेकिन जुराबे बस तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। क्या करते हैं अम्मा, धोने में जाती हैं वापस ही नहीं आती, ये क्या बात हुई? मैं खुद परेशान, मैं तो दिल करता है जुराबे उठाऊं और खुद ही धो के खुद ही अलग से छुपा दूं। मैं तो उसको बोला था एक छोटा सा वो ले लेते हैं, छोटी बेबी वॉशिंग मशीन नहीं होती, अपने बाथरूम में रखते तुम्हारी जुराबे और तुम्हारे जो है अंडरवेयर वगैरह सब उसमें। जब कोविड शुरू हुआ था ना, तो मैं स्क्रब्स अपने खुद धोती थी, क्योंकि तब कोविड का इतना खौफ होता था कि हम, मैं अस्पताल से आती थी हाउस जॉब से, तो वो कपड़े गंदे होंगे, तो मैं मम्मा ने इतनी सी बिल्कुल इतनी सी एक वॉशिंग मशीन थी, वो बाथरूम में रखती थी, उसी में अपने स्क्रब्स डालती थी, लैपकोट डालती थी, धोती थी, फिर उसको थैले में डाल के सुखा के रख देती थी एक दो दिन तक के, इनकेस कोई जरसीम हो तो। एक है ना वो ऐसा कोई है, वो जो ऐसे लगा देते हैं बाल्टी के अंदर या सिंक उसमें, फिर वो चलता रहता है। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, कोई भी ऐसे छोटा सा कुछ ले लो जुराबों के लिए। नहीं जुराबे अम्मा, जब 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 हमारे पास है जुराबे धोने के लिए कोई, तो फिर उसको बोलो बस वापस भी ले आया करें। भाई इतना सीरियस हो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है, ऐसा लगता है कि केस जो है ना हाई कोर्ट में जाएगा। सही बात है। मतलब
आप सोचें यार, इतनी जुराबें ले लेके बंदा का कितनी खरीदूं यार, जो हैं वो तो वापस आए। ये बस अम्मा की ड्यूटी है, अम्मा को पूरी करनी है वापस लाने वाली। नसरीन की लगाई है मैंने ड्यूटी, तो नसरीन को बोलो वापस भी लाए। संभालती तो है वैसे काफी, लेकिन जुराबे नहीं संभालती, कपड़े संभालती बस। चलो अब जुराबे भी संभालना शुरू हो जाएगी। गाइस बिस्किट की ग्रूमिंग की जिम्मेदारी मेरी है, तो जो ट्रिमर मैंने बिस्किट के लिए लिया था वो काफी नहीं था, तो फिर हमने मंगाया नया ट्रिमर। वो है ये वाला, ये मेरे बार्बर ने बोला था कि पावरफुल होता है बिकॉज ये बिजली से चलता है एंड बाकी बहुत हैवी ड्यूटी है। एंड ये जरा बिस्किट पे भाई ट्राई करते हैं एंड आई होप कि उसके बाल कट जाए, क्योंकि नॉट्स वगैरह होती है ना वो उससे सही तरह कटती नहीं है, तो ये तो गुज करके काट देता है बिकॉज बार्बर शॉप टेस्टेड। तो मैंने कहा भाई, उसने मुझे बोला, मेरे बार्बर ने मुझे बोला था कि मोज़र लें सर मोज़र। मैंने कहा जो भी होता है भाई, मोज़र शोज़र का ट्रिमर, तो ये मोज़र का ट्रिमर है, ये तो बिजली पर लगानी है जी। ओके ओके, नहीं नहीं बस नहीं नहीं धो दो, फोन निकाल लो, अम्मा से पूछता हूँ। गाइस हमें गोरमे मील मिला है, वेट हमें काफ़ी करना पड़ा क्योंकि घर पे बीफ नहीं था, और फिर हमने बीफ मंगाया और फिर बीफ आया, तो हमें क्या मंगोलियन समथिंग, क्या मंगोलियन का इसकी रेसिपी से बनाया, इसकी रेसिपी है, वाह भाई यूट्यूब पे है ये, लगानी है, है ऑलरेडी, है ऑलरेडी, तो आप जाएं उसकी वीडियो देखें और उसकी रेसिपी देखें। अभी ज़रा मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन आई होप इट्स वर्थ द वेट। मैं और मैंने क्या बहुत खाए थे जब मैंने बनाए थे ना, क्या ये नूडल्स सारे मैंने खत्म किए थे। मैं देखता हूँ, और ये मेरी शक्ल आगे से, मैं वीडियो एडिट कर रहा था। जैनब के घर में मैंने ज़्यादा नहीं खाया, मैंने बिल्कुल इतना से खाया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं प्रॉपर फुल फ्लैज मैक्रो ट्रैक खाना खाऊँ। तो भाई ये है फुल फ्लैज मैक्रो ट्रैक मंगोलियन बीफ बाई शेव। रात को मेरी 10 मिनट की जो नैप है वो तकरीबन 2 घंटे की नींद में बदल गई, एंड उसके बाद पावर नैप लेके मैंने जाना था, मतलब को ऐसे डंडी नहीं मार रहा, और जो कल मैं नहीं गया वो मैं आज चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद नींद नहीं आई यार, और फिर फिगर आउट किया कि रूटीन खराब हो गया। एंड अब हम जरा जा रहे हैं छोटी सी वॉक पे, टाइम हो रहा है सुबह के 5:50, एंड सुबह के 6 बजे वैसे मौसम बड़ा अच्छा होता है, गर्मी शर्मी नहीं होती। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर ब्रिंगिंग हिम फॉर वॉक एवरी डे एट दिस टाइम। तुम तो जबरदस्ती में लाती हो ना, हमारे पास चॉइस नहीं, नींद नहीं आ रही, क्या करेंगे अभी, इसने तंग किया था इसलिए लेके आए इसको। अगर सुबह सुबह कुत्तों को लेके आए ना, सुबह सुबह का टाइम होता है इनका एंजॉयमेंट है, वो अपनी मस्ती में और हम अपनी मस्ती में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लगता था कि ब्रूनो पे ना मेरी वॉइस कमांड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी कभी वो अपनी फुल मस्ती में होता है, जितना बुला लूँ भाई ये सुनेगा नहीं, तो मुझे इसको जी यार वो हमें जो आप लोगों को पता नहीं दिखाया था कि नहीं अनिया की वीडियो में, मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि छोटा सा पपी है, उसको हमने कॉलर भी लगाया एंड प्रॉपर टिक, उसको एम्प्यूल वगैरह स्पॉट ऑन लगाया हमने, तो वो यार एक दिन से नज़र नहीं आ रहा, तो हमारा एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है। हमने पहले भी एक स्ट्रे को टेक्निकली अडॉप्ट किया था, बेंजी, जिन लोगों को याद होगा उनको पता होगा, तो समबडी पॉइजनड हिम एंड ही डाइड। नाउ आई रियली 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 होप कि कॉलर देख के किसी ने उसको घर में रख लिया हो या उसको अडॉप्ट कर लिया हो या व्हाटएवर, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट एंड आई वुड रियली 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 यू नो डोंट वांट टू सी हिम डेड और एनीथिंग। आई रियली होप यू नो ही लिव्स अ नाइस लाइफ, ही वाज अ स्मॉल पपी। मैं और अनिया यहाँ पे खड़े हुए जरा ब्रूनो को बीच में टेस्ट कर रहे हैं, ये ब्रूनो बीच में खड़ा हुआ है और हम आवाज़ें मार रहे हैं ऐसे स्क्वीकी स्क्वीकी आवाज़ में कि ब्रूनो किसके पास आता है, और ब्रूनो किसी के पास भी नहीं आ रहा, वो अनिया उधर चली गई, मैं इधर हूँ, और बेचारा बीच में खड़ा है कि भाई साहब आप दोनों में से मैं एक नहीं चूज कर सकता, मुझे दोनों चाहिए। इट्स अ टाई गाइस, इट्स अ टाई, ना मुझे चूज किया, मतलब 5 साल पालने के बाद भी भाई साहब प्रायोरिटीज 50-50। बेवफा कुत्ते, हम लोग वो वाला करेंगे भागने वाला, साथ खड़े होके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। हाँ ये टिकटॉक में ट्रेंड भी आया था कि आपका जो डॉग है उसके साथ आप खड़े हो और दोनों जो ओनर्स हैं वो एक साइड भागे और एक और दूसरा जो है वो दूसरी साइड भागे, फिर आप देखें कि कुत्ता जो है, हाँ आई थिंक मुनी वुड जस्ट स्टे देयर। या सेम, अभी हमने देख लिया, ये देखिए ब्रूनो ब्रूनो चलो अब आ रहा है हैं, भागा हुआ अब फुल स्पीड में आ रहा है। चूज करने का बोला तो चूज नहीं होता इससे यार, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक सेकंड के ब्रेक के बगैर मेरे पास ऐसा भागता हुआ आएगा, लेकिन नहीं, ऐसे बोंगों की तरह ना बेवकूफों की तरह यहाँ पे खड़ा हुआ, कोई हाल नहीं है इसका। तो चलें गाइस, दैट्स इट टुडे, आपसे मिलेगा कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलता है अगली वीडियो में, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।